हे भगवान, हमरे फसल में कीड़ा लाग गए, इतना कीड़ा लाग गए। दीदी भिंडी टूट रहा है, बाजार जाते दिखा ले। देखिए ना दीदी, तो इतना ना कीड़ा लागल है, भिंडी निकलिए ना रहल है, कथी लेके बाजार जाइए। हाँ दीदी, सब में तो देखिए भिंडी में कीड़ा लाग गए है। हाँ दीदी, तो फल छेदक कीड़ा है, ऐसे तो पूरा फल खराब हो गए। पूरा खेत में ऐसी यहाँ के भिंडी में पूरा लाग गए है कीड़ा। एक बार तो दवाई छिटले रही है, फिर भी देखो से दीदी वैसे ही पूरा खेत वैसे ही फिर हो गया। अब कौन उपाय करो। दवाई तो इतना महंग है कि गरीब किसान के तो खरीद पारे न लगे। कैसे खरीदते, पैसा रहबे न करते, कहाँ से खरीदते। अहाँ कोई उपाय बताओ कि जे कीड़ा से बचल जाए। हम तो कुछ न बताएं, लेकिन चलो एक उपाय भी आर की दीदी जरूर बताइए। ठीक है, चलो दीदी चलो। दीदी बैठो ना दीदी। हम वी आर पी दीदी के बुला कर ला दिली। अहाँ बतैले रही है ना कि जो भिंडी में कीड़ा पकड़ लेल गए, तो अगर समस्या के हल करे के लेल हम वी आर पी दीदी के लिए बुला। वी आर पी दीदी हती अहाँ? हाँ, हम वी आर पी दीदी, और हम अपन पर्चे दे रहल हती दीदी। हमार नाम रेखा देवी है, बीना जीविका ग्राम संगठन में वीआरपी के काम करे छी, पटियासा पंचायत में। हमार नाम कामनी देवी है, सेड़ा वाली जीविका स्वयं सहायता समूह में सदस्य। हाँ दीदी, अपने पर्चे दी। हमार नाम पूनम देवी है, रूपा जीविका स्वयं सहायता की कोषाध्यक्ष हूँ, गांव पटियासा जलाल में घर है। हाँ दीदी बताओ, जे खेती में समस्या क्या है? फल छेदा कीड़ा लग गया है, हमारा भिंडी में माइटो कीड़ा लग गया है दीदी, इसके कारण हमार पूरा फसल खत्म हो गया। देखो दीदी, हमारा पास में पैसा ना है कि जे हम दवाई छिटू लेके। बहुत बड़ा समस्या है, एकर उपाय हम बता रहल छी। के पैसा ना है तो बिना पैसा के दवाई हम बता रहल छी। उ अहाँ के घर के अगल बगल के पेड़ से पत्ता से दवाई तैयार हो जाए। अच्छा, वो कैसे होता है दीदी, बिना पैसा के दवाई के ना बनता है? अच्छा दीदी, वो पांच तरह के पत्ता से और गौमूत्र से वो दवाई घर में तैयार हो जाए। वो दवाई के नाम है दीदी ब्रह्मास्त्र। दीदी कौन कौन पत्ता लगता है, इसे हमरा तंगा बता दो दवाई बना के दीदी। हाँ दीदी बता दे छी, एक एकड़ में छींटे के है तो 20 लीटर गौमूत्र, 3 केजी नीम के पत्ता, 2 केजी करंजी के पत्ता, 2 केजी शरीफा के पत्ता, 2 केजी अंडी के पत्ता, 2 केजी धतूर के पत्ता। एक बर्तन, एक डंडा लकड़ी के चलावे ला, तैयार होने के बाद छाने के लिए एक सूती कपड़ा चाहिए। दीदी हमरा तो 2 कट्ठा है, 2 कट्ठा के लिए बता दीजिए कितना लगते। दीदी अहाँ के 2 कट्ठा भिंडी के खेत के लिए हम सामग्री बता रहे हैं। 2 कट्ठा के लिए 2.5 लीटर गौमूत्र, 200 ग्राम धतूर के पत्ता, 300 ग्राम नीम के पत्ता, फोट के नहीं ना आ रहा है चेना, 200 ग्राम करंजी के पत्ता, 200 ग्राम अंडी के पत्ता, 200 ग्राम शरीफा के पत्ता। टोटल चीज पीसे के पड़ी दीदी। दीदी सब पत्ता के जोख के तब पीसे का पड़ता है? हाँ दीदी। दीदी बैठू, अहाँ बगले में सब कुछ के पेड़ है, जाए छी व्यवस्था करके ले आवे दीदी। दीदी 300 ग्राम नीम के पत्ता है, 200 ग्राम अंडी के पत्ता है, 200 ग्राम करंज का पत्ता है दीदी, 200 ग्राम शरीफा के पत्ता है, और 200 ग्राम धतूर के पत्ता है।
सब कुछ बर्तन में कूट के या मेहन कर लूं या सिलौटा पर पीस सकै छी दीदी। ले ली दीदी पीस के पिसा कुटा गया कब एक की करबे दीदी। एगो बर्तन में ध के ई पत्ता आ गौमूत्र गरम करे के पड़ते। चूल्हा तो घरे है दीदी, चलू अर्जुन गरम हो जाते। चार उबाल तक अतै ताले ले उबाले के है। चार बेर दीदी ऐसा उबाले के है? हाँ दीदी, चार बेर उबाले के, चार उबाली तक उबाले के है दीदी, तब जाके ही तैयार हो। चार उबालू तक हो गल दीदी? ठीक है दीदी, चार उबाली तक हो गल है तो एकरा उतार लू। छनला के बाद 50 लीटर पानी में 1.5 लीटर बरमास से मिलाकर छिलकाव करे के खेत में। स्प्रे मशीन से छिलकाव करे के है। अगर स्प्रे मशीन ना है तो कुच्ची बना के छिलकाव कर सकली है दीदी। इतना बात जानकारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। दीदी भिंडी तो बहुत अच्छा हो गई। बरमास लेके बना के सब छिटली है वह दवाई तो भिंडी अच्छा हो गया। आ के हम बतैली ना जे में कोई खर्चो ना लागल आ खेती अच्छा हो गया, फसल अच्छा तो हो गया। हाँ दीदी, एक लेल अहाँ के बहुत धन्यवाद दै छी।